सुप्रभात बच्चों, ये है हमारा हिंदी का पीरियड और हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 8 कृष्णा सुदामा, जो कि क्या है, प्राचीन कथा। मैंने आपको पहले भी कहा था प्राचीन का मतलब होता है पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। प्राचीन का मतलब पुराना। तो बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा दोनों, कृष्ण को तो आप जानते हैं, हम महाभारत में कृष्णा सीरियल में और नटखट कृष्णा बाल कन्हैया है ना, तो दोनों ही मित्र थे और गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, पक्के मित्र थे। समय बीता, कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि कृष्ण आपके इतने अच्छे दोस्त हैं तो क्यों नहीं आप जाके उनसे मदद मांगते। सुदामा को संकोच हो रहा था कि कृष्ण तो कहाँ राजा और कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण, कैसे मैं मदद मांगू, क्या वो मुझे पहचानेगा भी सही, क्या वो मेरी मदद करेगा, उसके मन में अनेकों प्रश्न थे। पर पत्नी के कहने पर जब वो राजी हुआ कृष्ण से मिलने को, तो पत्नी ने उपहार के लिए एक बुने हुए चावल बांधे। वो इतने गरीब थे कि बुने हुए चावल भी उसको पड़ोसी से मांग कर लाने पड़े। तो बुने हुए चावल लेकर रवाना हुए सुदामा, तो द्वारिका नगरी पहुंचे और द्वारपाल से कहा कि कृष्ण से कहना कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। जब कृष्ण ने सुना तो दौड़कर सुदामा को लेने के लिए आए, उन्हें गले लगाया है ना, पर आपने पानी भरकर उनके पैर धोए, खूब आवभगत की, खूब देर तक बातें की। और कृष्ण जब वो सुदामा बुने हुए चावलों की पोटली छिपा रहे थे कि उनको लगा कि राजा को मैं क्या उपहार दूं, तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस पोटली को सुदामा से ले लिया और सुदामा और कृष्ण बहुत खुश हुए उसके उपहार से। और कुछ दिन रहने के बाद जब सुदामा ने विदा ली तो सुदामा को लगा कि कृष्ण ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ, अब मैं कैसे क्या करूँगा, अब मेरी परेशानी का तो कोई हल निकला नहीं। पर जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह क्या खड़ा था, महल खड़ा था है ना। तो यह चमत्कार किसका था, कृष्ण का ही था। तो सुदामा ने सोचा कि कृष्ण ने सच्ची मित्रता का मान रख लिया। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। चलिए अब हम लिखेंगे इसके शब्द अर्थ। तो बच्चों हम लिख रहे हैं शब्द प्रेम, स्नेह, उपहार, भेंट, संकोच, झिझक, द्वारपाल, पहरेदार, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा लेना, चले जाना, चमत्कार, अद्भुत बात। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बच्चों।